टोपी में अरविंद केजरीवाल आगे लिखा, मैं रामकृष्ण को नहीं मानता। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गुजरात दौरे से पहले लगे हिंदू विरोधी पोस्टर। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल फिर से दो दिन के लिए गुजरात दौरे पर हैं, लेकिन उनके गुजरात दौरे से पहले एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और राजकोट की सड़कों पर शनिवार को हिंदू विरोधी नारों के साथ पोस्टर दिखाई दिए। इन पोस्टर्स में अरविंद केजरीवाल को मुस्लिम टोपी पहने दिखाया गया है। एक पोस्टर में लिखा है, मैं हिंदू धर्म को पागलपन मानता हूँ। वहीं दूसरे पोस्टर में लिखा है, मैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानता। इसकी वजह है दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम। दरअसल दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम द्वारा हिंदू देवी देवताओं पर दिए गए बयान के बाद आम आदमी पार्टी की काफी किरकिरी हो रही है। इसका असर गुजरात में भी नजर आने लगा है। गुजरात में अरविंद केजरीवाल की रैली से पहले काले होल्डिंग लगा दिए गए। इन होल्डिंग्स पर लिखा है, मैं हिंदू धर्म को पागलपन मानता हूँ। साथ ही लिखा है, मैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश और राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानता। वहीं इसमें सीएम केजरीवाल को मुस्लिम टोपी में दिखाया गया है। हालांकि आप कार्यकर्ताओं ने रैली से पहले आप विरोधी पोस्टर और बैनर उतार दिए हैं। गुजरात के बड़े शहरों में ऐसे पोस्टर किसने लगाए इसका पता नहीं चल पाया है। हालांकि बाद में राजकोट से पोस्टर हटा दिए गए। अब तक आम आदमी पार्टी गुजरात में जोरदार तरीके से चुनावी अभियान चला रही थी। इस दौरान इस पोस्टर को लेकर सियासी जंग शुरू हो गई है। दरअसल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान गुजरात के दो दिवसीय दौरे पर हैं। इनका वडोदरा और दाहोद में जनसभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है। सत्तारूढ़ भाजपा से मुकाबला करने के लिए आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल गुजरात में आक्रामक रूप से प्रचार कर रहे हैं। इसी के साथ इन दो दिनों के दौरान आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान गुजरात के आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति बनाने के लिए राज्य के सामाजिक और अन्य क्षेत्रों के नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। गुजरात चुनाव से पहले राजेंद्र पाल गौतम द्वारा दिया गया बयान अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए एक नई मुसीबत बन गया है। दिल्ली हो या फिर गुजरात, भारतीय जनता पार्टी ने राजेंद्र पाल गौतम के इस बयान पर आम आदमी पार्टी को घेर लिया है। अब देखना ये होगा कि कैसे अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी इस बयान से अपना पीछा छुटा पाती है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए जुड़े देशित न्यूज के साथ। धन्यवाद।